पता है लाइफ में हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? हमारा परिवार। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपके साथ कोई डटकर खड़ा होता है ना, वो आपका परिवार। लेकिन सीरियल वालों को ये कौन समझाए? यहाँ पर तो बहन ही बहन की दुश्मन बनी हुई है। अब रब से है दुआ में मन्नत और इबादत को ही ले लीजिए, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे भिड़ी हुई है कि अब जल्द ही भैया जान पर आने वाली है किसी ना किसी की। सुभान अल्लाह, ये देखिए दोनों बहनों के बीच क्या हो रहा है। इबादत और मन्नत आखिर क्या चाहती हैं? है क्यों आज ये दोनों बहनें एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई हैं? अब मन्नत का तो समझ में आता है कि मन्नत कभी भी ही किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकती है। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वो आई है, इस सुभान को भी वो छीन कर अपना बनाना चाहती है। इसीलिए इबादत ने अब अलग रूप ले लिया है। अब यहाँ पर दोनों बहनें एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। प्लानिंग तो मन्नत की ये थी कि इबादत को वो यहाँ से धक्का दे देगी, लेकिन कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में वो खुद भी गिर जाता है, और देखिए यही हुआ। ये कैसे बाजी पलटी और लटकने लगी मन्नत खुद। अब इबादत के हाथों में उसकी डोर है, जहां पर मन्नत मिन्नतें कर रही है कि मुझे बचा लो बचा लो छोड़ दो, और नीचे घर वाले अलग से चिल्ला रहे हैं। हालांकि इबादत ने मन्नत का सच सबको बताया कि कैसे उसने इबादत को मारने की प्लानिंग की थी। अब गुस्सा जब आता है ना, तो सच में ऐसे ही आता है कि जिसने आपकी जिंदगी की पूरी धज्जियां उड़ा दी है, वो मिले तो बस उसकी बैंड बजा दो। आज इबादत वही कर रही है। उसने मन्नत का हाथ छोड़ा, वो जानती थी कि नीचे सुभान खड़ा है, वो उसे पकड़ लेगा। अब ये तो एक सबक था मन्नत के लिए। इतना सब होने के बाद भी मन्नत सुधरने वालों में से नहीं है, इसकी तो पूरी गारंटी है। फिलहाल तो समझ में ये नहीं आता है कि सुभान को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन है और गलत कौन। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।